जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि बालों का गिरना एक आम समस्या है। अगर आपके बाल गिरते हैं तो आप उनसे कैसे निजात पाएंगे, और ये लगता है मुझे कि हर युवा की आज की भाग दौड़ भरी लाइफ, यानी कि आज हम जितना फास्ट फूड खाते हैं और जितने बाहर पोल्यूशन है, इसकी वजह से हमें इसकी समस्या खास करके झेलनी पड़ती है मेरे दोस्तों, बालों का गिरना और टूटना। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, ये हम आप सबको आज बताने जा रहे हैं। केशों के झड़ने या टूटने पर सिर में नींबू के रस में 2 गुना नारियल का तेल मिलाकर उंगलियों के अग्रिम पोरों से आहिस्ता आहिस्ता केशों की जड़ों में मालिश करने से आपके केश झड़ने बंद हो जाएंगे मेरे दोस्तों, साथ ही केश मुलायम एवं सकरी मुक्त हो जाएंगे, यानी कि डैंड्रफ मुक्त हो जाएंगे, तथा बालों से संबंधित अन्य सभी रोग भी दूर हो जाएंगे। खोपड़ी की खुश्की या अगर सर में रूसी हो तो क्या करना चाहिए, उस दशा में दोस्तों नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर रात को खोपड़ी में मलें और सुबह गुनगुने पानी या रीठे के पानी से सिर धो डालें। 2-4 बार करने से ही सिर की खुश्की और रूसी नष्ट हो जाती है मेरे दोस्तों, और आपके बाल स्मूथ हो जाते हैं। लंबे और रेशमी केशों के लिए, यानी कि केशों का सौंदर्य निखारने के लिए केश शैम्पू का यूज करें। कैसे, शिकाकाई और सूखा आंवला प्रतीक, यानी कि दोनों को 25-25 ग्राम लाएं, थोड़ा कूटकर टुकड़े कर लें, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर लें। रात को इन्हें 500 ग्राम पानी में डालकर भिगो दें मेरे दोस्तों। प्रातः इस पानी को मसल कर कपड़े से छान लें और सिर पर मलें, 10-20 मिनट बाद स्नान कर लें। इस प्रकार शिकाकाई और आंवलों के पानी से सिर धोकर और केश सूखने पर नारियल का तेल लगाने से बाल लंबे घने रेशमी बन जाते हैं मेरे दोस्तों, मुलायम और चमकदार हो जाते हैं। अब देखिए, गर्मियों में यह प्रयोग सबसे ज़्यादा अनुकूल होता है, इससे केश सफ़ेद नहीं होने पाते, और यदि सफ़ेद होने लगे हों तो सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं मेरे दोस्तों। इसका सहायक उपचार भी है मेरे दोस्तों, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो हम आप लोगों को इसके सहायक उपचार बता देते हैं। आधी या एक मूली रोजाना दोपहर में भोजन के बाद काली मिर्च तथा नमक लगाकर खाने से बाल लंबे होंगे और रंग साफ होगा। 3-4 महीने लगातार खाएं। 1 महीने तक इसका इसी तरह सेवन करने से कब्ज, अफारा और अरुचि में आराम होता है। अनुकूल होने पर ही यह प्रयोग चालू रखें, क्योंकि मूली किसी किसी को अनुकूल नहीं आती, यानी कि मूली जो है हर किसी के लिए सूट नहीं करती है। हाँ, एक बात खास ख्याल रखना चाहिए, इनमें से किन्हीं भी दवाइयों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, किन्हीं औषधियों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आपका पेट साफ रखता है। आपको सबसे पहला जो ध्यान देना होता है आपको अपने पेट का। अगर आपका पेट सही रहता है मेरे दोस्तों तो आपको इनमें से किन्हीं भी औषधि की ज़रूरत नहीं पड़नी है। सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना है तो इस बात का कि आपका पेट साफ रखे। धन्यवाद दोस्तों।